पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड से गणेशपुर पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार अंजलि कुमार पासवान को पूरे बहुमत से मुखिया पद का विजेता बनाए। पंचायत के सुयोग्य नेक शिक्षित कर्मठ ईमानदार संघर्षशील और कर्मशील युवा उम्मीदवार अंजलि कुमार पासवान जी का कहना है कि हमको गणेशपुर पंचायत की जनता मुखिया पद के लिए चुने, हम मुखिया पद की जीत हासिल करेंगे और मेरी प्राथमिकता उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा होगी। हमारी पंचायत में जो भी जाति वर्ग के लोग हैं सबके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे, मेरे लिए सब समान है, सबका साथ सबका विकास करेंगे। मुखिया पद पर विभिन्न प्रकार का जो भी सरकारी फंड आता है उसे जनता के विकास में लगाएंगे, जैसे पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास योजना एवं बीपीएल और गली नली में सोलिंग का विकास करवाएंगे। सभी योजना का लाभ गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचाएंगे। हर समय दुख और सुख में साथ रहकर समाज के विकास पर ध्यान रखूंगा। गणेशपुर के सभी पंचायत वासियों को दीपावली छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। आइए हम अंजनि कुमार जी से मिलते हैं और पंचायत के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी जीत की बधाई है। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अंजनि कुमार पासवान, ग्राम गणेशपुर, पंचायत गणेशपुर का मैं निर्वाचित मुखिया हूँ वर्तमान का जी। सर, निर्वाचन क्षेत्र संख्या आपका? के नगर प्रखंड निर्वाचन क्षेत्र संख्या 08। सर, गणेशपुर पंचायत का जो जनता आपको मुखिया के रूप में चुने हैं सर, और आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? पहले तो मैं गणेशपुर पंचायत के जितने भी ग्रामीण वासियों हैं उसको मैं हार्दिक दिल से बधाई देना चाह रहा हूँ कि जो मुझे काफ़ी बहुमत से मुझे निर्वाचित किए हैं गणेशपुर पंचायत में मुखिया पद के लिए, और हम सुचारू रूप से जहाँ तक होगा वहाँ तक हम विकास लाने का काम करेंगे और पूरे पंचायत में विकास का लहर दौड़ा देंगे। सर, जैसे आपके पंचायत में जो वर्तमान मुखिया जी रह चुके हैं, आपके पंचायत में कितना विकास हुआ मुखिया जी? विकास क्या होगा, मतलब कि जो पहले का मुखिया था वो यानी कि विकास के मुद्दे पे उतना ध्यान नहीं दिया, और जो गरीब वर्ग को विकास मिलना चाहिए वो उतना मिल नहीं पाया, जिसके कारण आज मेरा गणेशपुर पंचायत विकास से जूझ रहा है, और विकास उतना हुआ नहीं जितना कि विकास होना चाहिए। हर मुद्दे पर विकास का काम होना चाहिए, वो मुद्दा पर काम नहीं हुआ, सुचारू रूप से काम नहीं हुआ। जैसे सर, आपके पंचायत में इंदिरा आवास योजना है और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड वगैरह हैं, और क्या ये सब काम बहुत अधूरा बाकी है क्या सर? इंदिरा आवास हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, राशन कार्ड हुआ, जॉब कार्ड हुआ, उतना आने की गरीब को नहीं मिल सका जितना कि मिलना चाहिए, और वृद्धा पेंशन में तो खास करके जो लचर व्यवस्था रहा वो आने की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं मिल सका पब्लिक को, जो वृद्ध अवस्था में जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उसको काफ़ी आने की पेंशन से बाधित रहना पड़ा। वो यहाँ का जनता सपोर्ट करेगा तो विकास का काम बहुत आगे तक हम पहुंचा देंगे। हाँ, जनता का सपोर्ट मांग रहा है, जनता का सपोर्ट मांग रहा है मुखिया जी की, बहुत अच्छा से जनता की सेवा करेंगे। मुखिया जी का सोच भी अच्छा है, मुझे पूरा जनता हर काम में सहयोग दे, सपोर्ट दे, जो कि हम हर काम को हम देख सके जनता के सपोर्ट के साथ। बहुत धन्यवाद आदमी है, बहुत अच्छा है जी, हमारे लोग से बहुत जुड़े हुए हैं जी, अच्छा तरीका से जो जनता का चाहता है जी जी जी। अखनी मुखिया बना है, पहले मुखिया से पहले यो जनता का सेवा करता है जी। बहुत सुंदर विचारिक व्यवहारिक आदमी है, विचारी बहुत व्यवहारिक है, और बगल में जो पहला मुखिया था जी वर्तमान में और ठीक ढंग से वो नहीं देखा, मतलब पंचायत को सही ढंग से नहीं चला पाया, नहीं देखा, और बीसी वो बिचलिया के साथ में चलता था जी जी, और यो मुखिया नहीं था जी, और यो जनता की सेवा में बहुत अच्छा था।
जी जी, और यो देखेगा, यो जनता सेवा करेगा, जनता इस पर पीठ पर रहेगा, 24 घंटा मदद करेगा जी, बहुत अच्छे से जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? और सर क्या कहेंगे, मतलब हम लोग का बहुत खुशी बात का है जी। यो अच्छा युवक है, कर्मठ है, देखने के लिए चाहता। थैंक यू। आपका, आप कहाँ से मौली साहब? मैं ग्राम पंचायत गणेशपुर 12 नंबर वार्ड से, मैं जी 2001 का पूर्व जी वार्ड सदस्य था जी। मैं मुखिया जी का, जो अभी निर्वाचित मुखिया जी आए हुए हैं जी, उन्हीं का थोड़ा सा मुलाकात के लिए, भेंट वार्ता के लिए जी आए हैं, क्योंकि वो तो जैसे ही आए थे निर्वाचित होकर के जी, तो हर मोहल्ला हर वार्ड घूमे जी, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं हो पाई जी। इसलिए करके मैं मिलने गांव का हूँ, मैं टहलते फिरते मुखिया जी का मुलाकात के लिए आए हुए हैं, और उनको फूलमाला पहनाए आप लोग जी? फूलमाला तो पहना दिए हैं जी, फूलमाला पहना दिए हैं, और हम लोगों के दिलों में हार्दिक ऐसा है कि मुखिया जी हम लोग निर्वाचित किए हैं उनको जी, और युवक हैं और कर्मठ हाँ शील है। कश्मीर से लेकर कन्या